संजय जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि वो इन नाजुक मौकों पर मुसलमानों के साथ खड़े होने से घबराती रही है, क्योंकि उसे उस पर ये आरोप लग जाए कि वो हिंदू विरोधी है या मुसलमान परस्त है। क्या ये हमने शाहीन बाग वाले आंदोलन में भी देखा, दिल्ली दंगों के दौरान भी देखा, और इस पूरे मामले में अगर आम आदमी पार्टी पर हमले नहीं होते तो भी आप चुप रहते? देखिए, ये दोहरी मार होती है हम लोगों के ऊपर मुकेश जी। जब हम कोई आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, तो कहते हैं ये माहौल बिगाड़ रहे हैं और दिल्ली में शांति नहीं चाहते। जब हम शांति की अपील करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेके एलजी से बात करते हैं, लगातार इस बात की अपील करते हैं कि शांति और अमन कायम रहे, वहां मौके पर जा कहीं को और भड़क जाए तो सारा दोष लगा देंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर। इस मामले में तो मास्टर हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि सबसे मजबूत तरीके से आम आदमी पार्टी ने इनकी कार्रवाइयों का विरोध किया है, इनके तरीकों का विरोध किया है, इनकी दंगा वाली मानसिकता, गुंडागर्दी वाली मानसिकता का विरोध किया, और अब वो हम आगे भी करते रहेंगे। संजय जी, पहली बार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतना खुलकर एग्रेसिवली इन दंगा और दंगे की योजनाओं का विरोध कर रही है, बीजेपी की मंशाओं के पर हमला कर रही है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं, देखिए जब जब इन्होंने कुछ भी ऐसा गलत, आपको मैं बताऊं कि जब पिछली बार भी 2020 में दंगा हुआ था, तब भी हम लोगों ने ये बार बार कहा कि बीजेपी ने 20 के दंगे कराए, दिल्ली का माहौल बिगाड़ा। जब से गृह मंत्री हुए अमित शाह जी, कभी वकीलों पे हमला होता है, कभी कोर्ट में हत्या हो जाती है, कभी गैंगवार होता है, कभी छात्रों पे हमला होता है, और दंगा हुआ, दो दो दंगों की गवाह बनी दिल्ली। तो ऐसा नहीं है, जब भी इनके खिलाफ इनकी इनकी कह लीजिए कि गुनाहों के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ, इनकी गंदी राजनीति के खिलाफ बोलने का मौका होता है, हम मुखरता से इनके खिलाफ बोलते हैं, वो चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे मीडिया में हो। हम देश में अमन, शांति, चैन चाहते हैं। हम इसमें झगड़े, लड़ाई की बात, और ये कौन सा हिंदू धर्म है, मुझे तो नहीं पता कि प्रभु श्री राम ने कहां ये सिखाया है कि भाई रामनवमी के जुलूस में आप गालियां दीजिए। कोडरमा का एक वीडियो आया है मुकेश जी, आप देखेंगे, आप अपने चैनल पे नहीं चला सकते, माँ की गाली दी जा रही है मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को माँ की गाली दी जा रही है, ये रामनवमी के जुलूस में होता है। मेरा भी घर सुल्तानपुर पड़ता है, अयोध्या के पास हम रहते हैं, हम लोग तो बहुत बार रामनवमी के जुलूस में और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में शामिल हुए, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। तो ये प्रायोजित ढंग से देश का माहौल बिगाड़ने के लिए और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है।